हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी की रेसिपी। तो देखते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए प्याज 3 से 4 कटा हुआ और स्लाइस में, और उसके बाद आलू। आलू ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। लहसुन ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए, इसमें तेज़पत्ता है, सूखी लाल मिर्च है, जीरा है और गोल मिर्च है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, दालचीनी है। उसके बाद हम लोग को ग्रेवी के लिए चाहिए एक प्याज, आधा 1 इंच टुकड़ा अदरक, जीरा, गोल मिर्च, 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर, धनिया, लहसुन, और अलग से हम लोग को गरम मसाला चाहिए। और ये है हम लोग का 1/2 kg मटन। मटन मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब इसमें डालूंगी सबसे पहले तेल। अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल जैसे कि मेरा गर्म हो रहा है, मैंने तेल में थोड़ा सा मतलब भीगा हुआ छन्नी डाल दिया, जिस वजह से ऑयल क्रैक हो रहा था। अब तेल गर्म हो चुका है, हम लोग इसमें सबसे पहले आलू अपना फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ का आलू लिया है, हम सभी को मटन में आलू पसंद है इसलिए मैंने डाला है। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इधर तक मैं मसाला का पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें जो मसाले थे, गरम मसाला अलावा सारा मसाला मैंने थोड़ा पानी में डाल के मिक्सी में डाल दिया है। इधर मेरा आलू भी फ्राई हो रहा है। मैंने मसाला पीस लिया है, एकदम फाइन पीस्ट कीजिएगा। यहाँ पे मेरा आलू लगभग फ्राई होने वाला हो चुका है। मैंने आलू को निकाल लिया है, मेरे से गलती हो गया था, मुझे लहसुन भी फ्राई करके निकालना था बट वो रह गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें जो खड़े मसाले थे वो मैं डाल दूँगी। खड़े मसालों को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होने के बाद हम उसमें मैंने लहसुन डाल दिया जो फ्राई होना था। बाद में मैं उसको निकाल लूँगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जाएगा हम लोग का अनियंस। अनियन को भी हम लोग को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। धीरे धीरे करिएगा, ज़्यादा हीट में करने से ऑयल ऑनियन जल जाएगा, तो थोड़ा मीडियम फ्लेम में रखिएगा। और मैंने इसमें ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है क्योंकि हम लोग के घर में थोड़ा ऑयल कम यूज़ होता है। ऑयल वैसे भी थोड़ा देर में मतलब प्याज जब गल जाएगा तो ऑयल बैलेंस हो जाएगा। अभी आपको कम लग रहा होगा बट हम लोग के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने अभी लहसुन को फ्राई करके निकाल लिया है। लहसुन भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो रख सकते हैं। मेरा ये प्याज मैं धीरे धीरे फ्राई कर रही हूँ। प्याज को एकदम हल्का आराम से फ्राई करिएगा, ज़्यादा फ्राई करने से जल जाता है और तीता तीता टेस्ट लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। मटन में हर चीज़ एकदम अच्छे से फ्राई हो तो ही अच्छा लगता है। गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मेरा ऑनियन फ्राई हो चुका है, इसके बाद थोड़ा और फ्राई होगा, थोड़ा टाइम है। गाइस, वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसका मेन रीज़न ये है कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, मैं बहुत जल्दी ले लूँगी। तब तक ऐसे ही है, उसके बाद मैं फिर से दूसरे वीडियोस डालूँगी। यहाँ पे मेरे से मतलब कैमरा फ़ोन मैंने उल्टा पकड़ लिया था इसलिए जो वीडियो है थोड़ा उल्टा हो गया है। प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुका है, यहाँ पे मैंने मटन ऐड कर दिया।
मटन को भी हम लोग एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को फ्राई अच्छे से कीजिएगा जब तक उसका पानी ना निकल, मटन का सारा पानी ना निकल जाए और पानी सूख ना जाए तब तक फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद लगभग 5 मिनट के बाद मैं मटन इस कंडीशन में आ चुका है मेरा और ये थोड़ा फ्राई होगा। अभी देखिए पूरा ऑयल सेपरेट होने हो गया है, अब लगभग रेडी है। इसमें हम लोग अब थोड़ी देर में नमक और बाकी मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं और फ्राई कर लेती हूँ कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा और फ्राई होगा। अब मटन को स्लोली अच्छे से कुक कीजिए, जितना अच्छा आप मटन कुक कीजिएगा, मटन को फ्राई कीजिएगा, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इस स्टेज पे मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है, मटन में थोड़ा नमक डाल के फ्राई करने से ना जो मतलब एक स्मेल होता है ना मटन का वो नहीं आता है, तो मैं थोड़ा और इसको फ्राई कर लेती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं नई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मेरा मटन लगभग होने वाला है, अब ये मसाला ऐड करने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। ये देखिए फ्राई एकदम अच्छे से हो गया है, सारा ऑयल भी मटन छोड़ चुका है। तो अब इस स्टेज में हम लोग ऐड करेंगे अपना मसाला। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से मसाला डाल रही थी तो क्या फ़ोन थोड़ा हिल गया, तो सॉरी फॉर डैट। मैंने यहाँ पर मसाला ऐड कर दिया और मसाला के साथ भी हम लोग मटन को पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक उसका सारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। यहाँ पे हाफ के जी मटन मैंने लिया है, अगर आप ज़्यादा मटन बना रहे हैं तो चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। अगर आप लोग को एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा डिटेल कितना क्या है नहीं है सबके साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। इस टाइम मैंने हल्दी थोड़ा ऐड कर दिया है, हल्दी डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा ऑयल मेरा सेपरेट होने लग गया, इस टाइम तक मैंने 5 मिनट जैसे मतलब इसको फ्राई कर चुकी हूँ। साइड साइड से जो लगता है ना उसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा जला जला से टेस्ट करता है। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है हम लोग का, थोड़ा तो ऑयल सेपरेट हो रहा है। अभी मसाला को और 5-10 मिनट तक फ्राई करना है हम लोग को, एटलीस्ट 10 मिनट तक धीरे धीरे। ज़्यादा हीट में फ्राई करिएगा तो मसाला जल जाएगा, इसलिए थोड़ा मीडियम हीट पे रखिएगा और फ्राई करते जाइएगा। ये मटन की रेसिपी बहुत सिंपल है, जैसे मैं घर में बनाती हूँ वैसे ही है। देखिए ऑयल का सेपरेट हो चुका है हम लोग का मटन में, तो अच्छा आप लोग किस तरह से बनाते हो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा। मतलब से कुछ छूट गया हो या कुछ कम हो गया हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। मैं भी मसाला को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ना मसाला का कच्चा कच्चा स्मेल आ रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा और इसको फ्राई कर रही हूँ। मेरे को थोड़ा नमक कम की लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा ही नमक डाला था फ्राई करने का टाइम पे, तो थोड़ा अभी डाल दिया। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा। मेरा मटन में एकदम ऑयल छोड़ चुका है, अब लगभग ये रेडी होने वाला है। इसमें हम लोग मतलब ग्रेवी लगाने के लिए आप फिर यहाँ पे हम लोग ना 1 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि घी क्यों ऐड कर रही हूँ, घी इसीलिए ऐड कर रही हूँ कि घी से ना एकदम अच्छा वाला मतलब स्मेल भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो अभी ट्राई करिएगा आप लोग मटन में थोड़ा सा घी डालने का, देसी घी डालिएगा। और ये मेरी मम्मी का रेसिपी है, मेरी मम्मी वैसे ही बनाती थी। मेरी मम्मी मटन लगभग कुक हो जाए मतलब लगभग पूरा फ्राई जब हो जाता था ना उसमें थोड़ा सा मतलब घी डाल देती थी, एकदम टेस्ट चेंज हो जाता था। यहाँ पे बात करने का चक्कर में मेरा मटन थोड़ा लग रहा है तो इसको ठीक कर लो। यहाँ पे मैंने थोड़ा गर्म पानी चढ़ा दिया है, मटन में हम लोग को गर्म पानी नहीं डालने होता है, ठंडा पानी भी डालने से चलता है बट गर्म पानी से ना मटन ठीक रहता है, मतलब मटन एकदम हीट में रहता है और उसमें अगर हम लोग ठंडा पानी देने से एकदम सॉफ्ट हो जाता है।
थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है, बट ऐसे एकदम परफेक्ट है। मटन को मैंने कुकर में कुक करूँगी, इसलिए कुकर में निकाल लिया और इसमें ट्रांसफ़र करके हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने जो गरम मसाला था ना उसको पेस्ट कर लिया है, मतलब सिलपट्टा पे पीस ली हूँ। एक सीटी लगने के बाद हम लोग गरम मसाला डाल के फिर थोड़ा देर के लिए उसको गैस पे लो हीट में छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए लगभग मेरा मटन हाँ बन चुका है। एक सीटी लगा दीजिएगा, थोड़ा सा लो करके छोड़ दीजिएगा। आप से मेरा कैमरा उतना पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा प्लेटिंग करने लगी थी, मेरा बेटा मतलब पूछ रहा था मम्मा क्या कर रही है।